स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका सरसुंदरम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप एमपीपीएससी सिलेक्शन चाहते हैं, एमपीपीएससी टॉप करना चाहते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हम लोग एक टॉप 10 बैच शुरू कर रहे हैं। टॉप 10 बैच मतलब सिर्फ 10 विद्यार्थियों का बैच 25 जुलाई से शुरू हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। आइए आज की क्लास पर हम लोग बात करते हैं। आज की क्लास, जैसा कि हम लोगों ने एक भाग में मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को किया था, लगभग 10 संस्थाओं को मैंने बताया था इसमें आपको, वो 10 संस्थाएँ इनमें से आप देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। 10 संस्थाएँ हो गई हैं, एनआईटी तक मैंने बात की थी। आज 5 संस्थाओं की और चर्चा हम लोग इस भाग में करेंगे जो मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग उसके बारे में बात करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली संस्था जो आज के वीडियो में हम लोग लेने जा रहे हैं वो है आईटीआई। आईटीआई अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1961 के अधिनियम के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के तहत की गई इसकी स्थापना है, ठीक है ना, इसी दशक में। इसका उद्देश्य क्या है? इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, संगत क्षेत्रों को में अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, इसका दूसरा फॉर्मेट में इसका प्रमुख कार्य लिखा है। इसके कार्यों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जो आईटीआई है, आईटीआई के प्रमुख कार्यों में यह संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा अनुसंधान कार्य का कार्य करती है। इसमें विभिन्न विषयों में स्नातक, परास्नातक एवं पीएचडी कार्यक्रम का संचालन करती है। प्रवेश हेतु एक संयुक्त परीक्षा जेईई का आयोजन कराती है, ठीक है ना, और प्रासंगिकता के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों का संचालन करती है यह संस्था, ठीक है ना। तो अगला इसके जो इससे संबंधित वो महत्वपूर्ण संस्था है, तो वर्तमान में आईआईटी की संख्या 16 है, लेकिन अभी हाल ही में 23 है, ठीक है। वर्तमान में 23 आईआईटी की स्थापना हो चुकी है। हाँ, कुछ अभी बनने की प्रोसेस में है और कुछ का मतलब कुछ बन चुकी है। इसी संदर्भ में ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में इंदौर में आईआईटी संस्थान स्थापित है, ठीक है। इनके महत्व की चर्चा करें या मानव संसाधन विकास में इसके योगदान की चर्चा करें, तो तकनीकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा से संबंधित कोर्सेज का संचालन करना और इसके माध्यम से प्रतिवर्ष हजारों छात्रों को मानव पूंजी में परिवर्तित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये पूरा आईआईटी के बारे में है। इस फॉर्मेट में आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप सुंदरम एकेडमी ज्वाइन करें और हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसके माध्यम से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यह पीडीएफ हमारी क्लास पे आधारित पीडीएफ है, जो क्लासेस का लेक्चर लिया गया है उस पर यह क्लास ली जा रही है, ठीक है ना। अगली संस्था जो है वो आईआईएम है। आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, तो इसके जो भारत में प्रबंधन था, प्रबंध संस्थान की सबसे बड़ी संस्था है, शीर्ष संस्था है। तो प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा देने से संबंधित इसके कार्य हैं, ठीक है। तो आइए इसके प्रमुख कार्यों की बात कर लेते हैं। ये संस्थान गैर कारपोरेट सेक्टरों जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, है ना, लोक प्रणाली प्रबंधन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में अनुसंधान करवाते हैं। मतलब इस क्षेत्र में प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान करना इनका काम होता है। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट मतलब सीएटी के माध्यम से आयोजित होता है। इसका भी काम होता है कि ये सीएटी की परीक्षा कराए और उसके माध्यम से कुछ अच्छे मानव संसाधन का चयन करे जो प्रबंधन में भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है ना। अन्य तथ्य देख लीजिए, इसमें जो वर्तमान में 6 प्रबंध संस्थान है, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर, है ना, कोलकाता, कोझिकोड, इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में इंदौर है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। अब मानव संसाधन में किसके विकास की बात करें, योगदान की बात करें मानव संसाधन विकास में, तो निश्चित रूप से आईआईएम प्रबंधन सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने का कार्य करता है और भारत में प्रतिवर्ष हजारों छात्र आईआईएम के माध्यम से निर्देशन में प्रबंधन से संबंधित डिग्रियां अर्जित कर रोजगार प्राप्त करते हैं। यह इसका महत्वपूर्ण योगदान है आईआईएम का, ठीक है ना। नेक्स्ट संस्था जो है वो एनएलयू है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो विधि विश्वविद्यालय निश्चित रूप से एक व्यावसायिक कोर्स होता है विधि, है ना, तो व्यावसायिक कोर्स का संचालन करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 2008 में नई दिल्ली में होती है पहली। इसके बाद अब तक तो कुल 23 एनएलयू हैं, मतलब 23 राष्ट्रीय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में। तो यह एक शैक्षिक कार्य करने वाली संस्था है, केंद्रीय संस्था है, जो मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा विधि से संबंधित कोर्स जैसे LLB, है ना, आदि का संचालन करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर की गुणवत्ता युक्त विधि शिक्षा केंद्र की स्थापना करना और विभिन्न संबद्ध विषयों जैसे अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं तकनीकी को विधि के साथ संयोजित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना। ये बात है। इसका जो कार्य है वो इसके कुल 5 कार्य यहाँ पे हमने लिखे हैं, 5 कार्य देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर विधि अध्ययन एवं अध्यापन का निर्देशन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि शोधों अध्ययन का संकलन करना, ठीक है, संकलन तैयार करना और एक ही स्थान पर उनको उपलब्ध कराना। नेक्स्ट इसका है विधि के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना, वैज्ञानिक अध्ययन सामग्री का केंद्रीय संस्था के रूप में परीक्षण करना और केंद्रीय आयोजनों में योगदान देना अर्थात योजना बनाने और नीतियां बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराना एनएलयू का प्रमुख कार्य है। इसकी भूमिका की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि भारत में विधि या व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित यह शिक्षा प्रदान करती है और प्रतिवर्ष हजारों छात्रों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उनको रोजगार के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट संस्था है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक तकनीकी शिक्षा से संबंधित
एक संस्था है, ठीक है ना। तो उसके परिचय में देखिए, पॉलिटेक्निक तृतीयक शिक्षा के अंतर्गत, तृतीयक शिक्षा अर्थात उच्च शिक्षा के अंतर्गत एक व्यावसायिक शिक्षा कोर्स संचालन करने वाली एक प्रमुख संस्था है जो व्यावसायिकता युक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है, मतलब रोजगार उन्मुख तकनीकी शिक्षा, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके उद्देश्य को शिक्षार्थी एवं प्रशिक्षकों को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना, स्वयं का व्यवसाय नौकरी पाने की योग्यता विकसित करना और तकनीकी क्षेत्र में आवश्यक मानव संसाधन की पूर्ति करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। प्रकार की बात करें तो भारत में निजी और सार्वजनिक अर्थात सरकारी और निजी दोनों प्रयासों से पॉलिटेक्निक कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संचालन की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की होती है, तो राज्य के अंतर्गत कई पॉलिटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं। मानव संसाधन में इनके योगदान की बात करें तो निश्चित रूप से स्कूली शिक्षा के बाद सीधे रोजगार तक पहुँचाने में इन कॉलेजेस का या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्राइमरी शिक्षा, फिर सेकेंडरी शिक्षा मतलब द्वितीयक शिक्षा के बाद सीधे रोजगार उन्मुख कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष हजारों छात्र टेक्नीशियन बनते हैं और भारत मतलब देश को बहुत सारे टेक्नीशियन मिलते हैं और बहुत सारे छात्रों को, शिक्षकों को रोजगार भी प्राप्त होता है, ठीक है, ये इसका महत्व है। नेक्स्ट संस्था है आई टी आई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल पूरा नाम यहाँ पे लिखा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब यह भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब उद्योगों की मांग के अनुरूप, ठीक है, प्रशिक्षण देती है, ठीक है। इसमें शिक्षा का नहीं, इसमें सीधे कार्य सिखाया जाता है। 1950 में जब उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे भारत में, बहुत सारी कंपनियाँ स्थापित हो रही थी, नए नए उद्योग फर्म स्थापित हो रहे थे, तो उस समय हमें बहुत सारे ऐसे तकनीशियन की जरूरत पड़ी, ऐसे कामगारों की जरूरत पड़ी जिनको सीधे प्रशिक्षण दे करके काम में लगाया जा सकता था। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह संस्था स्थापित हुई, यहां पे ये सारी बातें वही लिखी है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इन संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है दसवीं के बाद, और दसवीं के बाद जो अर्थात सीधे जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा के बाद सीधे रोजगार उन्मुख शिक्षा होती है ये आईटीआई, और आईटीआई के माध्यम से इसमें मतलब व्यवसाय दे दिया जाता है। तो आईटीआई एक प्रकार की तकनीकी प्लस व्यावसायिक शिक्षा होती है, ठीक है ना। तो आईटीआई क्या करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से भारत में ये तब शुरू हुआ जब आज़ादी के बाद बहुत सारे क्या स्थापित हुए, बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, भारी उद्योगों की स्थापना हुई, तो कहीं किसी प्रकार की तकनीकी लोगों की या तकनीकी श्रमिकों की ज़रूरत हुई, उनकी पूर्ति के लिए ऐसे कोर्सों का संचालन किया गया, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से भारत में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो इंडिया, देखिए यहाँ पर लिखा है बहुत महत्वपूर्ण लाइन क्या कि इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961 अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत इन संस्थानों की स्थापना हुई, ठीक है। तो आईटीआई को वैज्ञानिक ऊर्जा मिली, यहाँ पे ये लिखा है इस अधिनियम के द्वारा, मतलब इसको साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, ठीक है। तो इसके अगली जो बातें हैं वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अपने प्रशासनिक क्षेत्र में, यद्यपि मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन ही आता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानव संसाधन के अधीन कार्य करता है, लेकिन इसको स्वायत्तता भी दी गई है। तो आईटीआई मुख्यतः 12वीं के बाद या 10वीं के बाद ऐसा कोर्स होता है, लेकिन 12वीं के बाद आईटीआई करने के बाद बीटेक और एमटेक जैसे कोर्सों में प्रवेश भी प्रदान करता है, ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। आईटीआई की स्थापना के उद्देश्य की हम लोग बात करें तो आईटीआई स्थापना का उद्देश्य जो है वो कौशल संवर्धन करना, अर्थात कौशल विकास मिशन के अंतर्गत अल्पकालिक रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, ठीक है। दूसरा, राज्यों में चल रहे औद्योगिक संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करना, अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इनको, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 20 तहसीलों में नए आईटीआई संस्थानों की स्थापना करने का प्रोग्राम रखा गया, ये भी इसका लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अल्पसंख्यकों को, निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों को इस दिशा में रोजगार देने का विशेष प्रयास किया गया है, अर्थात उनके प्रवेश को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है ना। मानव संसाधन विकास में इसके योगदान की बात करें तो मानव संसाधन विकास में निश्चित रूप से 10वीं और 12वीं के बाद यदि कोई आईटीआई करता है तो उसको रोजगार उन्मुख शिक्षा प्राप्त हो जाती है, जिससे वो स्वरोजगार भी कर सकता है, किसी कंपनी में काम भी कर सकता है। तो एक बड़ी मानव संसाधन को तकनीशियन बनाने में इस शिक्षा का विशेष योगदान है, और निश्चित रूप से बहुत सारे टेक्नीशियन की जरूरत भी पड़ती है, उसकी पूर्ति भी आईटीआई के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये था अगला 5 संस्थान जो उधर पहले वीडियो में छूटा था, दूसरे वीडियो में हमने इसको पूरा किया। अब अगला जो सेक्शन है जो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्ट दिया है, और वैश्विक संस्था है, उसको हम लोग एक एक वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुँचाइए, ठीक है। श्री सुंदरम अकेडमी गुणवत्ता के लिए हमेशा से तत्पर है, इसी दिशा में हमारा एक टॉपर बैच संचालित हो रहा है 2019 के लिए, MPPSC 2019 के लिए टॉपर बैच। यदि आप इसके बारे में रुचि रखते हैं और यदि आप MPPSC टॉप करना चाहते हैं तो हमें तुरंत ही कॉल करके संपर्क करें। कॉल का नंबर जो है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा MPPSC टॉपर बैच के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।